नेक्स्ट एक टॉपिक वी हैव कन्वर्टिबल्स। तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज मेंट बाय कन्वर्टिबल्स। सो कन्वर्टिबल्स मे बी डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स विच मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। So, which may be converted into equity shares. So, in the future, so these securities, which is a debenture or a preference share, which are converted into equity share in future, they are called convertible securities. Normally, debentures are more popular than preference shares. So, for example, convertibles are of two types. So, one is compulsorily convertibles, or we can say convertible debentures. They are also called CCD, or it can be optionally convertible debentures. Which can be OCD. So in case of compulsory convertible debenture, so forget there are two types of debenture. It can be partially convertible debenture, PCD, or it can be fully convertible debenture, FCD. So in this case, what happens after some time, or we can say in the future, so the debenture you converted, the debenture is converted into equity share. So at agreed price, so it may be partly means some amount is converted into equity, or it may be fully. इसमें होल फेस वैल्यू जो कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। सो इन केस ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेड डिबेंचर, सो इन दिस केस डिबेंचर होल्डर गेट्स टू ऑप्शंस। सो टू ऑप्शंस आर डिबेंचर होल्डर कैन कीप द डिबेंचर एज इट इज टिल मैच्योरिटी। सो दिस इज कॉल्ड कीप डिबेंचर सो एज इट इज। एज इट इज मीन्स विदाउट एनी कन्वर्जन। तो इट मीन्स इसमें ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस टाइप के डिबेंचर को कहते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। और सेकेंड ऑप्शन है कि जो डिबेंचर होल्डर है कैन कन्वर्ट ही डिबेंचर फुली इन टू इक्विटी। तो इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन है कि कन्वर्ट डिबेंचर फुली इन टू इक्विटी शेयर्स। Actually also in the future, जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है डिबेंचर तो एग्री प्राइस के ऊपर होता है और एग्री टाइम के ऊपर, जो भी टाइम हमें मेंशन किया होगा। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स नंबर वन इज अवर वैल्यूएशन ऑफ कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो बेसिक डेफिनेशन है, इसको हम शो करते हैं वी ऑफ सी बी। बेसिक डेफिनेशन सेम है, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स सो एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय इन्वेस्टर एट आर। तो फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसमें? इसके अपने आपको फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। जब कोई डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होगा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इट मीन्स इंटरेस्ट। जब डिबेंचर कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में तो जो इक्विटी शेयर्स मिलेंगे उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिल सकता है इक्विटी के ऊपर। और यदि पार्शियली कन्वर्टिबल है तो आपको रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी, रिडेम्पशन। और प्लस जो शेयर्स आपको मिले हैं उनको आप सेल कर सकते हैं
उसका मिलेगा सेल प्राइस ऑफ शेयर। उसमें इसमें चार बेनिफिट्स आपको मिल गए हैं। और यहाँ पर जैसे हम बनाते हैं कि इसके जीरो टाइम पीरियड में कंपनी ने 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किया है ऑफ ₹1,000। और ये मेंशन किया है कि आपके 3 साल के बाद आपके ₹500 ये कन्वर्ट हो जाएंगे कन्वर्टेड इनटू 5 शेयर्स। तो आपको 500 के बदले में 5 इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे कंपनी के। उसमें से पहले 3 साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% 1,000 के ऊपर। उसके बाद बैलेंस रहिएगा 500, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा आपको, क्योंकि लाइफ है 5 साल की। तो बाद में आपको मिल जाएगा बैलेंस 500, वो आपका रिडीम हो जाएगा ₹500। जब आपको शेयर्स मिलेंगे 5, उनके ऊपर डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा 4th और 5th ईयर में। और इन शेयर को आप सेल भी कर सकते हैं मेच्योरिटी के टाइम। तो नॉर्मली हम इनको सेल करके हैं लास्ट में, जब आपका डिबेंचर रिडीम होता है। उसमें आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, वैल्यू निकालनी है अपनी कि बेनिफिट्स हम कैसे शो करेंगे। आप शो कीजिए ईयर 1, 2, 3, 4, लाइक इन दिस एग्जाम्पल एन एज 5 ईयर। तो पहला बेनिफिट है आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ये आपको हर साल मिल रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में पहले 3 साल मिलेगा ₹1,000 के ऊपर, फिर मिलेगा 500 के ऊपर, फिर आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। जैसे ₹500 का डिबेंचर रिडीम हो गए, वो मिलेगी लास्ट ईयर में। फिर आपको डिविडेंड मिलेगा शेयर के ऊपर, क्योंकि आपको शेयर को सेल नहीं करने हैं इमीडिएटली। या तो आप यहाँ सेल कर लीजिए, इस टाइम इसका मार्केट प्राइस दिया होगा आपको शेयर का जैसे 200 है। देखिए अब नहीं सेल करके हैं, फिर आपको डिविडेंड मिलेगा 4 शेयर से, आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। और अल्टीमेटली आपको सेल प्राइस मिलेगा शेयर का। अब देखिए आप शेयर को सेल करके हैं 5th ईयर में, तो यहाँ भी आपको दिया है इसको मार्केट प्राइस है शेयर का अब 250। तो 5 शेयर आपके सेल हो जाएंगे 250 में, वो आपका सेल प्राइस आ जाएगा लास्ट ईयर में। तो इस तरीके से आप इनका कर लीजिए। अब टोटल बेनिफिट्स हर साल आपको कितने मिल रहे हैं, किसी जो टोटल इसको कैश इनफ्लो भी कहते हैं, रुपीज में आ जाएगा बेनिफिट। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर, ये हमने इन सबका टोटल कर लिया है ईयर वाइज। और अप्लाई कीजिए पीबी फैक्टर एट आर, और आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, जिसको कहते हैं वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर, राइट। तो ये इसका सिंपल मेथड है, एग्जाम्पल करके हैं, उससे आप क्लियर होगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं। लेकिन फिर एग्जाम्पल नंबर 1, तो उसमें वैसे मैं ब्रीफली क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ने दिया है एक्स वाई जेड कंपनी ने इशू किए हैं 15% फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच और 1 जनवरी। तो जिसे जो 1 जनवरी 2019 कंपनी है जिसमें 15% फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो इस गेट को इशू किया है कंपनी ने। एंड गीगर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद ये शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक ही एग्रीगेट एक डिबेंचर होल्डर विल गेट टू 5 शेयर, तो आपको 5 शेयर मिलेंगे 5 शेयर्स अगेंस्ट 1 डिबेंचर। मार्केट प्राइस आई के टाइम में कन्वर्जन विल बी 40, और उस टाइम जो मार्केट प्राइस होगा शेयर का दैट विल बी ₹40। फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एफसी की, इफ रिक्वायर्ड रिटर्निंग 12% पर एनम एंड इक्विटी शेयर आर सोल्ड बाय इन्वेस्टर इमीडिएटली ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। उसमें अब रिडेम्पशन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये फुली कन्वर्टेबल है। तो ₹100 के आपको मिल गए 5 शेयर कन्वर्जन डेट रिडेम्पशन के टाइम, और ये शेयर आपने सेल कर दिए। उसमें सिंपल है, देखो इसमें आपको शेयर भी लास्ट में मिल रहे हैं, तो शेयर का डिविडेंड को मिलेगा नहीं, रिडेम्पशन भी नहीं है, सिर्फ गो बेनिफिट्स हैं। तो आपको टेबल बनाना है, तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं ईयर 1 टू 5 ईयर, और 5th ईयर में यहाँ आपका बेनिफिट है जो एनुअल इंटरेस्ट
और फिफ्थ ईयर में आपको मिलेगी सेल प्राइस ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट बनेगा आपका 100 के ऊपर 15%। सेल प्राइस बनेगी आपकी, 5 शेयर आपको मिलेंगे 40 रुपये के, जैसे कि 200। इसको कहते हैं कैश इनफ्लो, रुपीज में कितना कैश आपको रिसीव हो रहा है। बस अब आप इसकी कैलकुलेट कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू एक्स रिक्वायर्ड रिटर्न, तो पीवी फैक्टर आ जाएगा आपका एक्स वैल्यू परसेंट। तो फर्स्ट केस में देखो आपका इंटरेस्ट सेम है हर साल, तो ये एनुटी बन जाएगी, और ये सिंगल है आपका, तो 1/1.12, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 टोटल आ रहा है आपका 5 सालों का 3.605। मल्टीप्लाई कीजिए, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स, जिस इनको 54.07, देन 200 × 0.567, 113.40, वैल्यू ऑफ सी बी 0.47767, 167.247। नेक्स्ट चेक है एग्जाम्पल नंबर 2, ये कुछ सिंपल था आपका, उसमें भी मैंशन किया है कंपनी एज इशू 12% पार्शियल कन्वर्टिबल बॉन्ड्स ऑफ 300 ईच ऑन January 1, 2019। तो कंपनी ने इशू किए हैं January 1, 2019 में, जिसे 12% पार्शियल कन्वर्टिबल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कह सकते हैं ऑफ 300 ईच। अब ये पार्शियल कन्वर्टिबल है, किसी ईच बॉन्ड होल्डर विल गेट 2 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच फॉर ₹50 ऑफ एवरी बॉन्ड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर है देन सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में आपको ₹50 के बदले में मिलेंगे 2 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25, 25 × 50 रुपीज आपके कन्वर्ट हो गए, एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ बॉन्ड विल बी रिडीम्ड बाय कंपनी एट 10% प्रीमियम एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। तो फिफ्थ ईयर इसकी लाइफ है, फिर आपको रिडेम्पशन मिल जाएगी बैलेंस प्लस 10% प्रीमियम। द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी ₹50 per share। तो इस टाइम जो मार्केट प्राइस है जब आपका डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है शेयर का, वो है ₹50, एंड द डिबेंचर होल्डर विल बी एबल टू रियलाइज 45 बाय सेलिंग द शेयर इन द ओपन मार्केट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। बट शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर ने इस शेयर को सेल कर दिया इमीडिएटली, शेयर इज सोल्ड और आपको एंड रियलाइज्ड नेट अमाउंट नेट ₹45 per share। इसमें जब देखिए आप शेयर को सेल कर रहे थे फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा उसके ऊपर। एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड रिटर्न 15%, रिक्वायर्ड रिटर्न इन्वेस्टर की 15%। आपको वैल्यू रिकर्निंग करनी है ऑफ बॉन्ड मीन्स कन्वर्टिबल डिबेंचर की या कन्वर्टिबल बॉन्ड की। अब देखिए बेनिफिट क्या था, पहले 2 साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 100 के ऊपर, फिर ₹50 कन्वर्ट हो गए 2 शेयर में, शेयर को सर गया सेल आपने उसका कैश मिल गया, उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा 3rd, 4th, 5th ईयर में, जो बैलेंस रह गया आपका ₹50, फिर आपको रिडेम्पशन मिलेगी। आप टेबल ड्रॉ कीजिए, जो जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उसमें आप ईयर वाइज शो कर सकते हैं बेटर है। तो ईयर 1, 2 यानी कि 3, 4 एंड 5, तो पहले लिखते हैं इंटरेस्ट 12% मिला आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अब थर्ड ईयर में 100 में से 50 चले गए, बैलेंस रह गया 50, 50 के ऊपर मिलेगा 12%, ₹6 आपको मिलता रहेगा इंटरेस्ट। फिर आती है रिडेम्पशन, चलो ₹50 रह गए, वो रिडीम हो जाएंगे 10% प्रीमियम के ऊपर, इट मीन्स ₹55 लास्ट ईयर में, और प्लस सेल प्राइस है शेयर का, सेल प्राइस ऑफ शेयर्स तो आपको मिले 2 शेयर, वो आपने सेल कर दिए 45, ₹90, जैसे यानी सेकंड ईयर में मिले आपको, सेकंड ईयर के एंड में, तो सेकंड ईयर के एंड में आपके आगे ₹90 और कुछ नहीं आएगा। इसका कर लीजिए आपको टोटल
टोटल अमाउंट है रुपीज में, गेन अप्लाई पीवी फैक्टर रिक्वायर करने आपके 15%, आपकी प्राइमरी वैल्यू आ जाएगी ऑफ सी आई एफ कैश इनफ्लो। टोटल है देखो फर्स्ट ईयर में 12 90 प्लस 12 102, यानी कि 6661। पीवी फैक्टर आप अप्लाई कीजिए 15%, 0.87 0.756 0.658 0.572 0.497, तो 12 × 0.87 जिसे कि 10.44। 0.02 × 0.7 0.02 × 0.756 77.11, 6 × 0.658 3.948, 6 × 0.572 3.432, 61 × 0.497 30.317। इसका कर लीजिए आप टोटल, जिसे ये वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिमांड है, तो +3.43 + 3.948 77.11 + 10.44 125.25 जिसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिमांड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर, ये था कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर।